कैसे आप लोग व्हाट्सएप होम स्क्रीन बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, पर उस वीडियो के कमेंट में मुझे ऐसे कमेंट्स आए, भैया वर्क नहीं कर रहा है, कैसे बैकअप करें, कैसे रिस्टोर करें, कैसे डाउनलोड करें, और चेंज नहीं हो रहा है, होम स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो है आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो यार एक नया वीडियो अपलोड कर देते हैं ताकि सब लोगों को जो है सब लोगों का जो है डाउट क्लियर हो जाए। तो जो है आज मैं इस वीडियो को जो है अपलोड कर रहा हूँ और इस वीडियो को जो है बना रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक तो आप लोग कर ही लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए क्योंकि आज के बाद काफ़ी सारे जो है इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा इस चैनल में, जो आपको जो है काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा। तो चैनल को आप लोग जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर WhatsApp को ऑन कर लिया है। तो यहाँ पर आपको जितना ढूंढना है ढूंढ लीजिए, कहीं पर भी आपको जो है WhatsApp होम स्क्रीन बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैं आपको सेटिंग में जाकर भी यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कहीं पर भी जो है WhatsApp होम स्क्रीन बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। आप जस्ट क्या कर सकते हैं, आप जस्ट अपने मतलब दोस्त के मतलब चैट का जो है बैकग्राउंड है उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं, या पर आपका फ़ोटो व किसी भी एक फ़ोटो को लगा सकते हैं, पर होम स्क्रीन में आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, तो पहले आप लोगों को करना है बैकअप। अगर बैकअप करना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि हमारे व्हाट्सएप में काफ़ी सारे ऐसे चैट्स रहते हैं जो हम लोग जो है कभी नहीं खोना चाहते, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको जो है करना पड़ता है बैकअप। तो बैकअप कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहले आपको जाना है सेटिंग में, उसके बाद आपको जाना है मतलब चैट्स में, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है चैट बैकअप, ठीक है ना। तो पिछली बार मैंने आपको नहीं करके दिखाया था कि कैसे बैकअप करना है, तो इस बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बैकअप करना है। तो यहाँ पर आपको जो है बैकअप पर क्लिक करना है, चैट बैकअप पे, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऊपर लिखा है बैकअप, तो यहाँ पर आपको जो है बैकअप कर लेना है। तो यहाँ पर बैकअप होने में आपको जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पर हाइस्ट जो है 10 से 20 सेकंड तक लगता है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको जो है व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है ना। तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, और इसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक नया व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में जिसका नाम है योया, ठीक है ना, YOWA योया व्हाट्सएप, जिसको हम यो व्हाट्सएप भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यो व्हाट्सएप को आपको जो इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल हो जाए जल्दी से जल्दी। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इंस्टॉल्ड हो गया है। तो इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको जो है जाना है फाइल एक्सप्लोरर में। यहाँ पर जो है थोड़ा डिफिकल्ट है करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, आपको जाना है फाइल एक्सप्लोरर में, उसके बाद आपको जाना है जहाँ पर आपका जो है फाइल बैकअप हुआ था, ठीक है ना, इंटरनल स्टोरेज में लगातार होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक नया फोल्डर आया है यो व्हाट्सएप, इसको आपको जो मतलब डिलीट कर देना है। और ऊपर आप लोग देख सकते हैं एक नया फोल्डर है व्हाट्सएप, ठीक है ना। जब मैंने इसको बैकअप किया था तब ये फोल्डर आया था, जिसको आपको करना क्या है, इसको आपको जो है रीनेम करना है। और रीनेम करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है यो व्हाट्सएप, ठीक है ना, तो YOU, ठीक है ना। तो यो व्हाट्सएप यहाँ पर आपको लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको कर देना है ओके। तो इससे क्या होगा, इससे जो है आपका जो है सारे चैट्स जितने भी चैट्स हैं ना, सब यहाँ पर जो है आपका बैकअप हो जाएगा, मतलब रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप को ऑन करता हूँ, उसके बाद आप तो जानते हैं क्या कुछ आपको यहाँ पर करना है। तो इसको मैं जो है जल्दी जल्दी फटाफट से कंप्लीट कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बैकअप फाउंड आ गया है, मतलब यहाँ से आप लोग जो है इसको रिस्टोर कर सकते हैं, अपने सारे चैट को आप यहाँ पर से रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो एक चीज़ ध्यान रखना होगा, आपको जो है फाइल मैनेजर या फिर फाइल एक्सप्लोरर में जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है व्हाट्सएप को चेंज करके यहाँ पर जो है आपको यो व्हाट्सएप लिखना है। अगर आप लोग यो व्हाट्सएप नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर जो है चैट्स जो है बैकअप मतलब रिस्टोर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग जो है ज़रूर ध्यान रखना। तो चलिए अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोग जो है चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड। तो आपको जाना है यो सेटिंग में, उसके बाद आपको जाना है यूनिवर्सल वाले ऑप्शन पर, उसके बाद आपको जाना है कलर्स वाले ऑप्शन पर, और उसके बाद आपको जाना है बैकग्राउंड पे। उसके बाद यहाँ पर से जो है आपको एक फ़ोटो चूज़ कर लेना है, जो फ़ोटो यहाँ पर आप लोग जो है लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ, और उसके बाद देखता हूँ कि क्या होता है, फ़ोटो आता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ सेट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा फ़ोटो जो है सेट हो गया है। तो यहाँ पर जो है आप
जिसका मर्जी उसका फ़ोटो यहाँ पर आप जो है लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर दूसरा भी एक फ़ोटो लगाया था, ये जो काफ़ी ईजी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा ही पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे वीडियोस और इससे भी इंटरेस्ट वीडियो लगातार अपलोड करते रहेंगे और मतलब क्या कहते हैं रहते हैं, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।